भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर चमोली जिले के गैरसैंण से है, जहां कहने के लिए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां के लोगों की तमाम दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह राजधानी के आसपास का ऐसे हालात है तो आसानी से समझा जा सकता है कि पहाड़ के अन्य क्षेत्रों के हालात कितने गंभीर और बदतर होंगे। आज पहाड़ के लोग अलग राज्य बनने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल सही भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के करीब का एक क्षेत्र है सेरा देवाखर गांव। यहां इस महीने में यह चौथी घटना है जब ग्रामीण बीमार लोगों को डंडी कंडी में लादकर 7 किलोमीटर सड़क मार्ग तक लाकर वहां से 18 से 20 किलोमीटर दूर गैरसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे हैं। और ऐसे हालात न सिर्फ सेरा तेवा खर्क वासियों के हैं, बल्कि और भी बहुत सारी पहाड़ी दूरस्थ इलाकों की भी है। आपको बताते चले कि गैरसैंण का ये क्षेत्र आज भी सड़क सुविधा से वंचित है, जिस कारण यहाँ के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज सुबह सेरा तेवा खर्क की काशी देवी पत्नी बच्चन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो ग्रामीण उसे इलाज के लिए गैरसैंण ले जा रहे हैं। बिना सड़क मार्ग के लोग महिला को कंधों पर लादकर पहाड़ी पैदल रास्तों से अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी होगा कि यहाँ के ग्रामीण लगातार यहाँ के लिए मात्र 7 किलोमीटर एक सड़क की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कभी इनकी सुध नहीं ली गई। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में यहाँ की सड़क की घोषणा तो जरूर की, परंतु वो घोषणा प्रधान न चढ़ सकी। तब यहाँ के लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़कर 26 जनवरी 2021 से अपने गांव से नीचे मोटर मार्ग तक खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था, और इसी के साथ क्रमिक अनशन और आमरण अनशन भी प्रारंभ कर दिया था। यह सभी क्रम लगातार 46 दिनों तक चलता रहा, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अंततः 12 मार्च को उपजिलाधिकारी गैरसैंण कोस्तुम्ब मिश्र, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, नायब तहसीलदार, थाना अध्यक्ष आदि प्रशासनिक अमला सेरा तेवा खर्क गांव में पहुंचा और अनशनकारियों को आश्वासन दिया कि एक माह के अंदर सड़क पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि उनके आंदोलन को स्थगित करवाने के बाद फिर किसी ने पलटकर नहीं देखा। आजकल आए दिन बरसात का मौसम होने के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, तो उन बीमार लोगों को इलाज के लिए लाना और ले जाना बहुत ही खतरनाक व विकट समस्या बनी हुई है। वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। गैरसैंण ब्लॉक के सेरा तिवाखर गांव से पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे, झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे आंदोलन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन भी कर चुके हैं, जिस पे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं, झूठा दिलासा दे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ नहीं है, जब हम तक विकास नहीं पहुँच रहा है, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँच पा रही, सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। मैं आपको बता दूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता के हित के लिए को कार्य करना है, न कि हमको नज़रअंदाज करना है। आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि हमारा आपसे विश्वास उठ जाए और लोकतंत्र से हमारा मन हट हो जाए। हम आज सुबह की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हमारी एक दादी जी अचानक बीमार हो गई, जिसके कारण हमें उन्हें 6 बजे डंडी कंडी के सहारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर नीचे सड़क पर पहुँचाना पड़ा। नहीं कहना चाहूँगी, झूठे दावे, झूठे वादे स्टेजों पर नहीं होता। आइए हमारी समस्या को देखिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए और जल्द से जल्द हमें वित्त स्वीकृति देकर हमारी सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।